लेकिन हत्या करने के बाद दर्शको बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि फलाने के घर के ताला लग गया। आज आप देख सकते हो ये वो आरोपी है, उनके घर के ताला लग गया है, घर को खोलने वाला कोई नहीं बचा। नहीं, उसके पिता की हत्या कर दी, जिसने आज तक वो बड़ा होकर ये भी नहीं बता सकता कि मेरा पिता कैसा था। दर्शकों नमस्कार, जस्सी मीडिया ग्रुप में एक बार फिर स्वागत है आपका। दर्शकों हरियाणा के अंदर इतने हत्याएं हो रही हैं, सरपंचों के इतने कांड हो रहे हैं, शासन प्रशासन पता नहीं कहां सो रहा है। कुछ दिन पहले की आपने घटना देखी होगी, जींद जिले का गांव काबरछा, जहां के मुखिया की जिस गांव के सरपंच की गोलियां मार करके हत्या कर दी जाती है। आज वो गाँव बगैर सरपंच के हो गया है, वो गाँव सुना हो गया है। दूसरी बात बताऊँ आपको कि मारने वाला कोई गैर नहीं, अपने ही लोग हैं, परिवार के ही वो लोग बताए जाते हैं जिन्होंने वो हत्या करी है। लेकिन हत्या करने के बाद दर्शकों बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि फलाने के घर के ताला लग गया। आज आप देख सकते हो ये वो आरोपी है, उनके घर के ताला लग गया है, घर को खोलने वाला कोई नहीं बचा है। बचने का मतलब ये नहीं है कि वो मर गए, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उनको पुलिस ने उठा लिया है, वो इस घर पर इस गाँव में रहने के भी लायक नहीं रहे हैं। आज जिस प्रकार से उन्होंने घर अपने ही परिवार के सरपंच को, होना तो चाहिए उनको खुश था कि चल अभी हमारा भैया हम नहीं बने तो हमारा भाई बना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो वैर वो द्वेष अपने अंदर पाले हुए थे कि वो बन कैसे गया। बताने में ये भी है, गाँव वाले ने बताया कि कुल 6 ही वोट उनके आए थे। मैं तो कहता हूँ कि जब ऐसी हार हो जाती है उनको वैसे ही गाँव छोड़ देना चाहिए था कि अपने खुद के वोट भी पूरे नहीं आए होंगे। 6 वोट क्या मानते हो आप? जो सरपंच का दावेदार होता है और कुल खुद के 6 ही वोट आते हैं, उनको पहले ही छोड़ देना चाहिए था ये गांव, लेकिन वो हार उन पे कहीं ना कहीं बर्दाश्त, हार नहीं है तो मुंह पे कालस है उनके, काला मुंह हो गया था जब मतलब 6 वोट आते हैं तो इस प्रकार से। लेकिन वो अपने अंदर वो जहर भर के और अपने ही परिवार के उस सरपंच की, जो जिसने गांव को बड़ी गांव वालों ने बड़ा अच्छा समझ करके, और बताते हैं कि भाई अच्छा काम भी कर रहा था वो, पूरे गाँव से जो है मिलनसार था वो, लेकिन उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उस सरपंच की, आज उनके घर का आप हाल देखोगे, देखो जिसका घर का मुखिया या उस गांव का ही मुखिया था वो और उनके घर का भी मुखिया था, उसकी इस प्रकार से हत्या हो जाती थी उस बीवी के ऊपर। और उस बताया जाता है कि 1.5 साल का उसका बेटा है छोटा सा, उस बेटे ने क्या क्या कसूर था, उस बेटे ने क्या देखा होगा, उस बेटे ने अभी जब वो बड़ा होगा तो क्या किस प्रकार से कहेंगे कि घर के लोगों ने उसके पिता की हत्या कर दी, जिसने आज तक वो बड़ा होकर ये भी नहीं बता सकता कि मेरा पिता कैसा था। दुख में तो बताते हैं कमी नहीं है, इतना दुख है पूरे गांव को दुख है। और आज वो हालात आप देख सकते हैं कि उस दुख में ये घर पे जो ताला लगा है ये कहीं ना कहीं उनके मुंह पर करारा तमाचा है। जो जब कहते हैं कि आसपास में भी जाएंगे कि फलाने के घर का ताला लग लिया, भाई बात छोटी नहीं है, कहने की बात छोटी है, लेकिन आप कहेंगे कि उसके घर पे ताला लग गया बहुत बड़ी बात है। और सामने ही देख आप देख सकते हैं ये इस साइड में जो ऑफिस बना रखा था उन्होंने, भाई गांव की लोगों की समस्याएं सुना करते आया करते लोग, अगर उनसे कोई गांव के लिए कोई सुझाव उन्होंने देना है या कोई कंप्लेंट उन्होंने देनी है कि गाँव के अंदर क्या करना चाहिए, क्या गाँव के अंदर समस्या है, तो यहाँ आकर के वो बताया करते। तो दर्शकों हमारा आज ये इनके घर की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी अपराधी हैं, अपराधियों को सोच लेना चाहिए कि देखो एक अपराध देखे जाते हैं, किसी दूसरे के साथ वो लड़ाई देखी जाती है, लेकिन एक इलेक्शन के माहौल को लेकर के उन्होंने जो अपने ही परिवार के सर मुखिया को मौत के घाट उतार दिया है, बहुत ही निंदनीय घटना है, दुखदायी घटना है। जिस प्रकार से इनके घर पे ताले लगे हैं, तो दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि परिवार में किसी प्रकार ऐसी घटना ना करें कि कल को किसी के घर पे ताला लगे, बात छोटी नहीं है। आज इनके घर पे ताला लगा है, कल को उनके घर पे भी ताला लगेगा इस प्रकार का कोई भी अपराध करता है। तो वीडियो दर्शकों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट भी करें। जय भीम, जय भारत।